अपनी आंखों से देखा है। ये ऑफिसर एक तो दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा बोलते, रूडली बोलते, और सर दूसरा मेरा ख्याल 100 ग्राम से कम होगा प्रसाद जो हम गुरुद्वारा साहब से लेके आते और उसको कुत्तों को सुंगाते हैं वो प्रसाद की, इसमें कुछ और तो नहीं। जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी देश की आजादी में, आज उनके जज्बातों को, उनकी श्रद्धा को ठेस मारी जा रही है, ये हमें कदाचित भी ये बर्दाश्त नहीं है। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ MP ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਸ਼ਨੋਂ ਪੇ ਗਏ ਥੇ ਯਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ICP ਬਨੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਨੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ यात्रु जो पाकिस्तान की तरफ गुरुद्वारा की तरफ जाते, वहां पे सर एक मेरे रिक्वेस्ट है कि वहां पे जितने मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत रूडली दुर्व्यवहार करते वहां जो अफसर, और वहां हमारे लोग एक निश्चय के साथ, एक श्रद्धा के साथ उस पार जाने की कोशिश होते तो उसी इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट पे वो सिगरेट पी रहे होते, विच इज नॉट डन। और ये ऑफिसर एक तो दुर्व्यवहार करते, बुरा बोलते, रूडली बोलते, और सर दूसरा मेरा ख्याल 100 ग्राम से कम होगा प्रसाद जो हम गुरुद्वारा साहब से लेके आते और उसको कुत्तों को सुंगाते हैं वो प्रसाद की, इसमें कुछ और तो नहीं। सर सिख जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी देश की आजादी में, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी 1965, 1971 और 1962 की लड़ाई में, सबसे ज्यादा सरहदों पे उन्होंने सरहदों की राखी की, आज उनके जज्बातों को, उनकी श्रद्धा को ठेस मारी जा रही है, ये हमें कदाचित भी ये बर्दाश्त नहीं है। कृपा करके इनको समझाया जाए, कुत्तों को प्रसाद ना सुगाया जाए और ना ही उन जो यात्रु जा रहे उनसे रूडली बात की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस TV।